नमस्कार मेरे सभी साथियों को, दिल से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आप सभी को। देख पा रहे हैं अभी मैंने एक और वीडियो में दूसरा पेंटिंग बनाया है। ये भी ऑयल पेंटिंग है, ये भी रियलिस्टिक है, पोर्ट्रेट। अब देख पा रहे हैं ये माउंट और फ्रेमिंग के साथ अटैच है। इसमें मैं जो काम अभी कर रहा हूं, शुरू से नहीं कर पा रहा हूं, ये फाइनली टचिंग है, फाइनली डिटेलिंग का काम किया रहा है। जो कहीं थोड़ा बहुत छूटा रहता है उसको देखना पड़ता है कहीं कहीं पर, ये वही वाली काम है। अब देख पा रहे हैं ये अभी थोड़ा फास्ट में है। अब जो काम आप देख रहे हैं ये थोड़ा अभी रियल टाइम पे है, रियल टाइम पे शूट किया गया है, ताकि इसमें भले वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगेगा इस बार, और बहुत लेट से वीडियो आने का कारण ये है कि मैं अभी वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। आप इसमें देख पा रहे हैं जो टाइम है रियल टाइम है, मैंने इसमें फास्ट नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि आपका पेंटिंग नहीं है, फ़ोटो जैसा दिखता है, तो कहीं फ़ोटो थोड़ी है, आप फ़ोटो को थोड़ी ना सोशल मीडिया में ऐड कर देते हैं। इसलिए मैं दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए इस चीज़ों को मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं हाथ से इसको बनाया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा दूसरा भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं शुरू से लेकर ड्राइंग तक के से लेकर कलर तक का मैंने काम किया है। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब में, आप मेरे वीडियो को चेक करेंगे तो। और मैं काफ़ी बारीक डिटेलिंग से काम करता हूँ, चाहे वो पेंटिंग सस्ता हो या महंगा, उससे मुझे डिपेंड फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी काम को एक जैसे ही करता हूँ, दिल से करता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, इस वजह से शायद ये है। और आप देख पा रहे हैं मैं अभी बाल का कुछ आँख का डिटेलिंग का काम कर रहा हूँ, जो बचा खुचा कहीं पर जो छूटा हो गया उसको चेक कर रहा हूँ मैं। और ये फाइनल हो चुका है, मैं इसमें खाली चेक कर रहा हूँ। और दरअसल ये फ्रेमिंग भी हो चुका है, इसमें कांच नहीं लगा है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेंटिंग है इसमें कांच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ग्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये पेंटिंग ख़राब नहीं होता। इसमें वार्निश लगाया जाता है, क्लियर वार्निश लगाया जाता है, तो जो कांच से भी बेहतर होता है, हर धूल दस्त पानी से तमाम जो चीज़ों से जो ख़राब होने से बचा कर रखता है इसको। और बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो पेंटिंग को सुरक्षित रखता है, क्लियर वार्निश। और ख़ास तरह का एक मटेरियल होता है, एक पेंटिंग के लिए ही बना रहता है वो, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है वो बनाता हूँ। दरअसल ये फ़ोटो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेंटिंग पे आप देख पा रहे हैं अभी, ये फ़ोटो था पासपोर्ट साइज़ का हाफ फ़ोटो था, ये बहुत ही पुराना। आप शुरू में आप देखेंगे, सबसे शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने ओरिजिनल के साथ ऐड कर दिया है। अगर आपको ओरिजिनल और देखना है तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा इस वीडियो को, मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे ओरिजिनल और पेंटिंग को, दोनों को साथ में अटैच कर दूंगा। ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग था, मुझे बनाने में काफ़ी कुछ हर बार की तरह नया नया सीखने को भी मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं साथ साथ बनाते बनाते सीखता भी हूँ, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरी तरीके से सीख गए हैं, मैं जानता हूँ मैं अभी भी अपने आप में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कमी महसूस करता हूँ। मैं पूरा परफेक्ट अपने आप को नहीं मानता, ऐसा किसी कभी कोई भी हो, किसी को ऐसा मानना नहीं चाहिए कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ सब काम में। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा ये पेंटिंग है, मुझे बनाने में काफ़ी दिन लगा, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग है और बहुत लंबे समय लेता है सूखने में। और वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना जगह भी चेंज कर लिया हूँ स्टूडियो को। अभी पहले का स्टूडियो मेरा अलग था, अभी छोटा सा विंडो है और जगह तो काफ़ी स्पेस है, यहाँ काम करने में अच्छा लगता है। अभी स्टूडियो का काम भी चल रहा है तो मैं यहाँ जगह चेंज कर रखा हूँ, मुझे भी यहाँ जगह में कंफर्टली लगता है काम करने में। मैं काफ़ी रात तक भी कर देता हूँ काम, मुझे जब अच्छा लगता है। तो अब देख पा रहे हैं मैं
जो काम कर रहा हूँ मैं बहुत, ये अभी रात का समय है, रात के समय काम कर रहा हूँ, 11 बजे के, 11:30 बजे के लगभग लगभग ये काम है, और अच्छा लगता है देख पा रहे हैं। ये अभी जो मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ ये रियल टाइम का है, इसमें मैं आपको फास्ट नहीं किया हूँ, शुरू के जो लाइन पे आपको फास्ट वाला दिख जाएगा, बट ये रियल टाइम का है और बहुत अच्छी इसकी कलर आया है इसमें पेंटिंग में, और मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो शर्ट में था वाइट का उसको ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत कहीं पर उसको हल्का ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में मेरे को। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, और दोस्तों मैं माफी चाहूंगा बहुत लेट हो जाता है मेरे वीडियो, दरअसल मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है जब से मेरा हाथ टूटा उठा है तो, और इस वजह से काफी लेट हो जाता है वीडियो आने में, लेकिन मैं अपने तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो आपके सामने आए। आप देख पा रहे हैं बहुत लोग पूछते हैं कि आपका सर पेंटिंग, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे को कि आपका पेंटिंग पेंटिंग जैसे नहीं लगता, फोटो जैसे लगता है, कहीं आप फोटो को ही मीडिया में थोड़ी ना ऐड कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं मैं जूम करके अच्छे से पास से उसको करीब से दिखा रहा हूँ आपको कि पेंटिंग है, क्योंकि देखो दोस्तों पेंटिंग अलग पता चल जाता है, फोटो का क्वालिटी अलग होती है, और हमें बहुत लोग पूछते हैं कि पेंटिंग क्यों बनवाते हैं, क्या रीजन रहता है पेंटिंग बनवाते हैं। देखो पेंटिंग एक अलग चीज होती है और फोटो एक अलग होती है, और दरअसल 5 मिनट में भी निकल आती है लेकिन 5-10 सालों में खराब भी हो सकती है वो फोटो जो 5 मिनट में निकल जाती है, ये इनको समय लगता है, हाथ से बनाया जाता है, काफी डिटेलिंग में काम हो जाता है, काफी बारीक का काम होता है ये, और हाथों का काम बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। मोनालिसा की पेंटिंग आपने सुना ही होगा, आप देखे होंगे कितने लंबे साल तक वो कभी खराब नहीं हुआ है, वैसे ही ऑयल पेंटिंग उसकी लाइफ बहुत होती है, मैं बता नहीं सकता दोस्तों 50 साल 100 साल भी कहूंगा तो कम पड़ जाएगा, इतने लंबे साल तक ये पेंटिंग चलता है, इसलिए पेंटिंग थोड़ा महंगा होता है और लोग बनवाते हैं, जिनको आर्ट की कला के बारे में थोड़ी बहुत समझ है वो जरूर बनवाते हैं, जो जानते हैं इसका महत्व वही लोग बनवाते हैं, जो नहीं जानते हैं फिर उनको समझाना तो थोड़ा बहुत बड़ा मुश्किल बात है। तो देखिए दोस्तों मैं बहुत पास से आपको दिखाया जा रहा हूँ कि देख सकते हैं आप इसको अच्छे से स्लो करके आप इसको देखना, ये पेंटिंग है कि वाकई में फोटो है करके आप अलग से पता चल जाएगा, जो आदमी आर्ट लवर है, जो कलाकार है, जो पेंटिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है उन्हें पता चल जाएगा, और जिन्हें नहीं है उनको तो फिर थोड़ा मुश्किल ही है। तो देख पा रहे हैं आप वीडियो को बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने समझाने की कोशिश किया है, दरअसल मैं बताऊंगा कैमरा में हिल रहा है उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए कि मेरे पास जो सुविधा है उस सुविधा में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं हाथ से जब टूटा है तो मेरे से थोड़ा शूट करने में दिक्कत होता है, और मैं गिम्बल के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं आप हाँ पूरा फाइनल शूट किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच।